हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास खड़ी हुई है पैशन प्रो BS6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें हम बताएंगे। बहुत ही क्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आई हुई है हमारे पास और दिखाएंगे कि इसके साथ, इस बाइक के साथ हुआ क्या है। तो सबसे पहले इसका पीछे का हिस्सा देख लें और उसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसके साथ क्या हुआ होगा। देख पा रहे हैं पूरा काबिल ऑयल सब और इंडिकेटर सब टूट चुका है इसका, और यह इसका कुछ पीछे का हिस्सा है ये। अब चलिए इसके आगे का दिखा देते हैं और देखें, ये इसका हैंडल है, ये सब कुछ, और ये इसका वाइजर है। ये इसका काबिल यहाँ पे लगता है टंकी का, और ये इसकी हालत देखें आप। तो इसकी, इस बाइक को देखकर आप हालत से लगा सकते हैं ये कितनी स्पीड से होगी तब ये एक्सीडेंट हुआ होगा। देखें इसकी फुल बाइक, देखें इसका वाइजर देखें, और इसका हैंडल देखें, और इसका हैंडल देखें यहाँ पे किस तरह इसका धुना चुका है। और यहाँ पे इसकी जो ये चेंचिस होती है वो भी बैंड हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमको ये बताना था कि इस बाइक को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी इसे स्पीड से होगी, और ये बाइक नशे में थी तब लड़ी हुई है। ये देखें, ज़रा सा भी इसकी गैपिंग नहीं है, ज़रा सा भी। पूरी चेंचिस भी बैंड हो चुकी है इसकी, और सब कुछ पूरा अगला हिस्सा। और जो इंसान चला रहा था वो तो बच गया, खैर अच्छा, अच्छी बात है। पर कहना यह था इस वीडियो में कि जो चलाएं बाइक सेफ राइड करें, नशे में बिल्कुल भी गाड़ी को ना चलाएं। हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि नशे में बाइक ना चलाएं, और देख पा रहे हैं कितने तगड़े सड़ी हुई है। अगर यहाँ से ये मोड़ा जाता तो ना मुड़ता, देखें एकदम पिचक गया है। और यह देखें इसकी टंकी भी पूरी बैंड हो चुकी है, और यहाँ पर इसकी चेंचेस देखें, ये आगे का इस तरफ भाग रहा है, टंकी इस तरफ भाग रही है। तो सेफ ड्राइव करें, मेरा मतलब कहने का मतलब है, और नशे से बिल्कुल दूर रहें। इसके जो साकर हैं वो भी टूट चुका है, आगे का जो बाटम है। चलिए दिखा देते हैं, ये देखिए इसका जो एक्सल है वो भी टेढ़ा हो चुका है, और इसकी जो अलॉय व्हील है पहिए में लगता है वो भी टेढ़ी हो चुकी है। ये बाटम इसका टूट चुका है, यहाँ पर देखें सारा बोल्ट वोल्ट सब अलग हो चुका है। पूरी चेचिस इसका सब कुछ उतारना पड़ेगा तब हमें बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी चेचिस से एक, अगर इसको मतलब ये इसकी बाइक कम से कम मैक्सिमम होगी 80 से 90 की स्पीड, इससे कम नहीं होगी। और नशे में बाइक चला रहे थे, जो कि लड़ने से ये हुआ है सब। तो इस वीडियो में ये बताना था कि बाइक को सेफ ड्राइव करें और अच्छी तरीके से चलाएं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी और नुकसानदेह भी। तो इस वीडियो में बाइक के बारे में ये बताना था हमें। मानते हैं हम इस चैनल पे केवल क्रिटिकल और मैकेनिकल ही वीडियो डालते हैं, लेकिन बताएंगे ये भी कि बाइक को कैसे भी चलाना है और कैसे सब करना है। ये देखो सारी, पूरा देखकर तो हमारा मन ही कुछ बाइक चलाने का नहीं करता है, लेकिन अब क्या करें। देखें अगर आप सही चला रहे हैं तो कोई दूसरा लाके ठोक देगा, तो आराम से चलें और कायदे से चलें। ये देखें सब पूरा सब टूट चुका है यहाँ पर। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाइक सेफ ड्राइव करें, नशे की हालत में बाइक ना चलाएं। चलिए फिर मिलते हैं।